वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा फोर्थ क्लास का इंग्लिश का फर्स्ट लेसन है द लिटिल गर्ल सोनल, छोटी लड़की सोनल। तो हमने इसके 3 पेजेस लेसन लर्न कर लिए थे, पढ़ लिए थे, एक्सप्लेनेशन कर ली थी। तो उसके बाद क्या है, आज हम नेक्स्ट पेज पढ़ते हैं, पेज नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया था, इस लेसन को पढ़ लिया था, लर्न कर लिया था, सीख लिया था। सो क्लैपिंग हर हैंड्स टू कीप टाइम, सोनल सैंग द टून ऑफ ए बिहू सॉन्ग वी सी नाउ। कहते हैं कि जो उसने अपने हाथ उठाए और हाथों से क्लैपिंग स्टार्ट की और सोनल ने एक टून गानी स्टार्ट कर दी। क्या गानी स्टार्ट करती, बिहू सॉन्ग की टून गानी स्टार्ट करती। ओ ग्रैंड फादर गणेश, ओ दादा गणेश, तो हाथी को पुकारती हुई ये जो सॉन्ग है सोनल गा रही है। यू आर किंग ऑफ द फॉरेस्ट, तुम जो इस जंगल के राजा हो। वी आल बो टू यू, हम तुम्हारे जो हैं वो चेले हैं, शिष्य हैं, छोटे हैं तुमसे। ओ ग्रैंड फादर गणेश, ओ मेरे दादा गणेश, द फॉरेस्ट इज लार्ज एंड वाइड, जो जंगल है वो बहुत ही बड़ा और चौड़ा है। ओ ग्रैंड फादर गणेश, ओ दादा गणेश, गो बैक वेर यू कम फ्रॉम, जो जहाँ से तुम आए हो वहीं वापस जाओ। फॉर आवर हट इज टीनी एंड स्मॉल, जो हमारी झोपड़ी है वो बहुत ही छोटी और कच्ची झोपड़ी है, वो बहुत ही छोटी है। एंड द शुगर कैन दैट यू सी, जो तुम ये शुगर कैन, जो ये गन्ने की फसल तुम देख रहे हो, इज टू फीड आवर फैमिली, यह हमारा जो परिवार है उसका फीड है, भोजन है। ओ ग्रैंड फादर गणेश, ओ दादा गणेश, गणेश ट्विचर्ड हिज ईयर्स, दो गणेश है वह ट्विचर घुमाता है अपने किसको, कानों को। He halted in the middle of the stream, वो जो होता है स्ट्रीम के, नदी के बीच में चला जाता है, होता है। He raised his trunk, वह अपनी जो सूंड है, ट्रंक है, उसको उठाता है। And sniffed the air, और हवा में घुमाता है, उठाता है। Then as Sonal continued to sing, he turned and went back slowly, और वह जो सोनल है तब कंटिन्यू रखती है, लगातार अपना जो सॉन्ग आ रहे उसको कंटिन्यू रखती है और धीरे धीरे टर्न बैक चली जाती है। वंस और ट्वाइस ही लुक्ड अराउंड लॉन्गली एट द शुगर कैन, जो हाथी है वो लगातार उस गन्ने की जो फसल है उसकी तरफ देख रहा है। बट सोनल सैंग ऑन विदाउट ए प्योज, क्लैपिंग हर हैंड टू कीप टाइम, और जो सोनल है वो लगातार बिना रुके गाना गा रही है और क्लैपिंग कर रही है। एंड फैमिली विद वन लास्ट लुक, गणेश डिसअपीयर्ड इनटू द फॉरेस्ट, जो फाइनली है, फाइनली क्या है, लास्ट लुक, जब पीछे देखती है सोनल तो क्या है, जो गणेश है वो जंगलों में गायब हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है। सोनल सी हियर्ड ए क्राई, सोनल जोर से चिल्लाती है। एंड हर मदर कम रनिंग टू हग हर, जो उसकी माता है वो उसको हग करने के लिए, गले लगाने के लिए दौड़ती है सोनल को। सी हैड सीन द एलिफेंट डिसअपीयरिंग इनटू द फॉरेस्ट, और उस हाथी को जंगलों में गायब होते हुए, जंगलों में जाते हुए वह देखती है। माई ब्रेव लिटल गर्ल, नाउ आई हैव ए सन एंड ए डॉटर टू सपोर्ट मी, और वह गर्व करती है, वह प्राउड फील करती है और कहती है कि मेरी जो बेटी है वो बहुत ही बहादुर लड़की है और मेरे पास एक बेटा और एक बेटी है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। यू आर बोथ इक्वली गुड, आई एम लकी, तुम दोनों एक जैसे बहुत ही अच्छे हो, मैं बहुत लकी हूँ, यह सोनल की मम्मी कहती है, मदर कहती है। वैन सोनू कम होम, जब सोनू घर लौटता है, ही टू वॉज वेरी हैप्पी एंड प्राउड ऑफ सोनल, द होल विलेज कम टू नो ऑफ दिस इंसिडेंट, जो
सोनल का भाई सोनू है वो घर लौटता है और वह भी बहुत खुश होता है और अपनी बहन जो सोनल है उस पर गर्व करता है, प्राउड फील करता है। इसी तरीके से धीरे धीरे यह बात जो सारे विलेज में जो यह घटना है सारी विलेज में फैल जाती है, पता चल जाती है। नेक्स्ट डे वो सोनू एंड सोनल कट द शुगर कैन। अगले दिन सोनू और सोनल ने शुगर कैन की जो फसल थी गन्ने की वो काटते हैं। सोनल टुक ए लार्ज पीस एंड लेफ्ट इट एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट फॉर गणेश। सी एक्सप्लेन। वह क्या करती है सोनू और सोनल जो हैं शुगर कैन की गन्ने की फसल काटते हैं और क्या करते हैं बड़े बड़े फीस में उन गन्ने की फसल को काटते हैं। जो हिस्सा एज जो किनारा गन्ने की फसल का गन्ने का बचता है वो गणेश के लिए फॉरेस्ट में जंगल में डाल देते हैं। एंड दैट इवनिंग एंड एज सोनू एंड सोनल वर हेल्पिंग देयर मदर इन द किचन। और उसी शाम को क्या करते हैं सोनू और सोनल जो हैं अपनी मदर की हेल्प करते हैं रसोई में खाना बनाने में। दे हियर्ड ए डीप बेलो फ्रॉम द फॉरेस्ट। वो उसी समय क्या सुनते हैं एक डीप बेलो सुनते हैं, एक बहुत गर्जना सुनते हैं गहरी जंगल में। इट इज गणेश। यह कौन था? गणेश था, गणेश हाथी था। सैड द चिल्ड्रन, बच्चे कह रहे हैं। ही इज सेइंग थैंक यू फॉर द शुगर कैन। वो जो एज सोनल ने डाले थे हाथी गणेश के लिए उसके लिए वो क्या कह रहा है शाम को, क्या बोल रहा है? थैंक यू, धन्यवाद करने आया है, बोलने आया है। इस तरीके से ये लेसन बहुत ही अच्छा एक स्टोरी थी। तो कुछ वर्ड मीनिंग हैं जो हमें लर्न करने हैं, जैसे स्कैम्पर टू रन गो क्विकली एंड लाइटली, दौड़ना जल्दी जल्दी से। तो इस तरीके से कुछ वीड्स वील्ड प्लांट, कुछ अनचाहे पौधे जो फसल में उग जाते हैं उनको बोलते हैं वीड्स। तो इस तरीके से ये हमें जो वर्ड मीनिंग है हमें लर्न करने और राइट करने इंग्लिश टू इंग्लिश। आगे है नेक्स्ट कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, टिक द करेक्ट आंसर, हमें इनका आंसर देना है। तो इस तरीके से हम इनका आंसर देंगे, कहाँ से हम जो लेसन पढ़ा है हमने उनमें से पता करके हमने इनका आंसर देना है। सोनल्स मदर वर्कड इन द, जो सोनल की मदर है वो कहाँ पे काम करती थी, कहाँ पे काम करती थी? टी गार्डन में। कहाँ पे काम करती थी? टी गार्डन में काम करती है। वाज द मैन ऑफ आवर फैमिली, जो सोनल की फैमिली है उसमें एकमात्र जो आदमी था वो कौन था? सोनल ब्रदर, सोनल का ब्रदर था। तो लास्ट सी आएगा इसमें, वन डे अंकल राजू मैड हिम मैड देम अवेयर ऑफ, किससे? एक दिन उनका जो अंकल राजू था वो किसके लिए अवेयर कर रहा है, किसके लिए सावधान कर रहा है उनको, किसके लिए? एलिफेंट्स, हाथियों के लिए, कि जो हाथी हैं वो गन्ने की फसल नष्ट कर देंगे इसलिए उनको अवेयर कर रहा था। वाइल्ड एनिमल्स आर अफ्रेड ऑफ, जो वाइल्ड एनिमल जंगली जानवर होते हैं वो किससे डरते हैं, किससे डरते हैं? फायर से डरते हैं, इसका बी आएगा। गणेश हेल्टिड इन द मिडल ऑफ, जो गणेश था वो किसके बीच में खड़ा था? स्ट्रीम के बीच में खड़ा था। तो कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं जो हमें करने हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, बाकी के क्वेश्चन हैं। तो आज का हमारा होमवर्क ये रहेगा, जो वर्ड मीनिंग है इंग्लिश टू इंग्लिश वो हमें लर्न करने हैं, राइट करने हैं, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लर्न करने हैं। थैंक यू।